Today the topic which we have to discuss in the biology book that is the RNA. कल हमने डिस्कस किया था DNA को और उसका स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें आपको मैंने बताई थी. तो R जो है वो हमने डिस्कस करना है RNA को. अब RNA जो है उसको आप समझ लें कि जितना DNA होता है उसी तरह RNA भी होता है. बल्कि आजकल ये जो आप इतना करोना वायरस का शोर सुन रहे हैं इसमें भी जो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है ना वायरस के अंदर, क्योंकि वायरस के बाहर होता है प्रोटीन कोट, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो या तो DNA होता है और या RNA होता है. अब ये जो करोना वायरस है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी RNA है. DNA में आपने देखा था कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, टू स्ट्रैंड्स होते हैं, इसके अंदर सिंगल स्ट्रक्चर होता है, यानी यूँ आपको नज़र आएगा RNA का मॉलिक्यूल. ठीक है, फिर उसके अंदर जैसे आपने देखा कि नाइट्रोजन बेसिस थी तो इसमें भी वैसे ही ए जी सी, अब ये है कि टी की जगह यहाँ पर यू होता है, यूरासिल होता है. अच्छा, अब इसकी तीन टाइप्स हैं. एक जो है वो है mRNA, राइट, उसके बाद mRNA के बाद दूसरी टाइप जो है वो है rRNA और तीसरी टाइप जो है दैट इज़ द tRNA. इनको आप किसी भी उसमें से कर लें. अब ये तीनों जो टाइप्स हैं RNA की, इसको अगर हम देखें कि ये क्या काम करती हैं तो मैं आपको एक सिंपल डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि उसमें होता क्या है. फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर लें कि ये एक सेल है. ठीक है, अब इस सेल के अंदर हमें पता है कि जो मेन सेंटर होता है वो होता है न्यूक्लियस. ठीक, ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था. अब न्यूक्लियस जो है उसके अंदर अगर जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ द DNA, तो ये DNA इस न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता. जैसे आप समझ लें कि आपके कॉलेज है उसमें प्रिंसिपल का ऑफिस है, तो प्रिंसिपल जो होंगी वो खुद उठ के बाहर नहीं आएंगी, अपना जो भी कोई मैसेज उन्होंने देना होगा वो उस मैसेज को किसी भी फॉर्म में, कोई रिटन फॉर्म के अंदर, कोई लेटर के फॉर्म के अंदर, किसी ऑर्डर के फॉर्म के अंदर वैसे बाहर भेजेंगी. ठीक है ना, तो इसी तरह आप समझ लें कि ये जो एक सेल है इसमें ये उसका मेन सेंटर है या मेन ऑफिस है जिसके अंदर DNA प्रेजेंट है, और DNA के अंदर सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है कि किसी बॉडी के अंदर कौन सी प्रोटीन बनेगी, कौन सी टाइप ऑफ एंजाइम्स बनेंगे, क्या होगा. अब इस DNA के अंदर जो मैसेज होता है इस मैसेज को इसने बाहर भेजना है. फॉर एग्ज़ाम्पल सेल ने एक प्रोटीन बनानी है, अब उसके लिए मैसेज कैसे जाएगा, उसके लिए मैसेज ऐसे जाएगा कि ये DNA जो है उसके ऊपर जो मैसेज है उसको वो एक mRNA बनाएगा, यानी जो मैसेज DNA के ऊपर था उसको उसने एक सिंगल स्ट्रैंड बनाया mRNA का, उसके थ्रू वो सेल के बाहर भेजेगा कि ये वाला जो, इसको कहते हैं मैसेंजर RNA, mRNA. अब मतलब सारे बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं तो मैसेंजर का मतलब तो आपको पता होता है मैसेज को लेके जाने वाला, तो मैसेंजर RNA की वो टाइप होती है कि जो DNA के मैसेज को कि कौन सी टाइप ऑफ प्रोटीन बनानी है उसको लेके जाती है बाहर साइटोप्लाज्म में. ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये मैसेज जो है, क्योंकि इसके अंदर हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस की जो बाहर इन्वेलप होता है या वॉल होती है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इस पोर्स के थ्रू ये mRNA बाहर आ जाता है. बाहर आने के बाद आपने एक और स्ट्रक्चर पढ़ा था सेल ऑर्गेनल्स में, एंड दैट इज़ द RNA. RNA के दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है स्मॉलर RNA और एक होता है लार्जर RNA. तो ये जो है ये आके इसके ऊपर अटैच हो जाएगा. ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है कि जिसमें DNA के डबल स्ट्रैंड से RNA का सिंगल स्ट्रैंड बनता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं. अच्छा, अब उसके बाद ये जो mRNA बाहर आ गया इसके साथ जाके राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं. ठीक है, और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये